हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बैक टू द न्यू द ब्लॉग दा। तो भाई मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग क्यों बन रहा है आज। भाई ट्राम में ये ब्लॉग इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ माइक्रोवेव लेने के लिए। मेरी एक बंदे से ईबे पे बात हो रही थी, उसने माइक्रोवेव लगाया था तो मुझे सही लग रहा था, अब वो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। पहले तो चेक करेंगे उसको और फिर देखेंगे कि सही है, लेकिन दूर जगह काफ़ी दूर है, पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ पहुँच के पहले मैं माइक्रोवेव देखूँगा, मुझे पसंद आया तो सही है, पसंद आने में मसला नहीं, मतलब चल सही रहा हो तो हम ले लेंगे माइक्रोवेव। और फिर बल्ले बल्ले आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई लेकर कैसे आता है जर्मनी में अकेले। आप अगर कोई चीज़ इस तरीके से लेकर आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से लेकर आनी पड़ती है, उठानी पड़ती है, क्योंकि अभी मैं अकेला जा रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि जगह काफ़ी 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 दूर है। तो एक ट्राम मतलब दो ट्रामों का रास्ता है, फिर थोड़ा पैदल भी चलना है। तो एक ट्राम अभी मैंने चेंज करी है, दूसरी ट्राम में बैठ के मैं ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो भाई ले लिया, ले रहा है आपका भाई माइक्रोवेव। दिस इज मार्गडेबर्ग बोटैनिकल गार्डन। मैंने सोचा भाई जब मैं इतनी दूर जा ही रहा हूँ तो बीच बीच में सिटी की काफ़ी सारी अच्छी साइट सीन्स आएंगी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो क्यों ना जब मैं इतनी दूर जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी वो साथ साथ इन्जॉय करवाता हुआ चलूँ। ये देखें यहाँ पे कैसे खंडर खनियाद भी है अंदर टाइप के, आप लोग खौफनाक से ड्रोन है हॉरर मूवीज वाले सीन। तो मैं आप लोगों से ब्लॉग बनाते हुए बातें करते करते ध्यान भी रख रहा हूँ ट्राम का स्टॉप आने का, तो वही ट्राम का स्टॉप जो है ना मेरी आने वाला है, बस अगला स्टॉप है और फिर मिलता हूँ आप लोगों से बाद में। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग इतनी पुरानी होंगी और कुछ नई बनी हुई होंगी, अजीब किस्म का इलाका है ये। आगे जाके तो कुछ खंडर खरियात बिल्डिंगे भी हैं जे, और जब मैं कहता था कि काफ़ी आगे जाके तो भाई बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त घर भी आते हैं और बीच में बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें आती हैं। खैर अभी मेन बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे जब से ब्लॉग स्टार्ट हुए मैं मास्क ही पहना हूँ, भाई क्या करूँ, मैं अभी भी एहतियात कर रहा हूँ ट्राम वगैरह में, मैं मास्क पहन के ही बैठता हूँ। वैसे अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाजिम हो गया आप पहन के बैठो, लेकिन फिर भी मैं ट्राम वगैरह में एहतियात करता हूँ क्योंकि क्लोज इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए लोगों से बातें करते करते मैं आगे निकल लिया था, वापस पीछे आया हूँ। देखते हैं भाई एड्रेस मिल जाए सही से जल्दी से, मैंने उस बंदे को मैसेज तो कर दिया कि मैं पहुँच गया हूँ। ये वाली बिल्डिंग है भाई जो मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रही थी, ये भी भाई अंदर से खंडर खनियात ही है, बस बाहर से थोड़ा सा कलर की ऐसे लग रहा था। तो भाई ये बिल्डिंग लग रही है एड्रेस के हिसाब से, तो यहाँ अंदर से तो ये काफ़ी अच्छा है। क्या है क्या सीन देखता हूँ मैं, बैल का बताया था नहीं बताया था, ये बिल्डिंग लग रही है वैसे तो। अच्छा भाई तो सीन ये है कि उसने मुझे पहले ही कहा था कि तुम ना मुझे 15 मिनट पहले बताना जब पहुँच रहे हो, मैं उसको बताना भूल गया, मैंने अभी बताया तो उसका मैसेज आया मुझे 15 मिनट लगेंगे पहुँचने में, तो वो आता है तो फिर देखते हैं उसका वेट करते हैं अभी, फिर देखते हैं माइक्रोवेव। अच्छा भाई तो फाइनली आपके भाई ने जो है वो माइक्रोवेव ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला माइक्रोवेव है भाई अंदर से ऐसा है, सबसे मेन बात पता है क्या है कि घर पहुंचने तक बारिश नहीं होनी चाहिए, मौसम इतना ख़राब है कि ना ही पूछें, सुबह हल्की हल्की बर्फ़बारी और बारिश हो रही थी, मतलब घर पहुंचने तक दोबारा बारिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी मज़े की मैं आप लोगों को एक बार बताऊँगा, उस बंदे ने कहा था कि 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो मैं आप लोगों को आप लोगों से बातें करते करते गलत रास्ते पर चला गया था ना, तो उससे ये हुआ कि जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो बंदा 1-2 मिनट बाद आ ही गया था, वो खुद भी जल्दी आया, 15 मिनट उससे नहीं लगा कि मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अच्छा था वो देखे गया, उसने मुझे चेक कराया माइक्रोवेव, मैंने उसको पैसे दिए और अब ट्राम मिल गई है, ट्राम में आके मैं बैठ गया हूँ, अब इस ट्राम के बाद दूसरी ट्राम में बैठना पड़ेगा।
फिर उस रैंप से उतर के 10 मिनट की वॉक करके घर जाना पड़ेगा। बस बारिश नहीं होनी चाहिए। Bitte beachten Sie, unsere Bahnen halten nur auf Aufforderung. Sobald des Fahrzeugs, betätigen Sie bitte die Haltestelle. इस तरह यार काम हो रहे होते तो उन्होंने किस तरीके से उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया होता है, ये पता नहीं क्या है। यहाँ काफ़ी दरख्त है और नीचे को जगह कुछ बनी हुई है। कभी आऊँगा मैंने बहुत दफ़ा देखा, सोचता आऊँगा अभी तक आया नहीं, लेकिन कभी आऊँगा यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँगा। ये देखें आप लोग, हल्की हल्की बूंदें नज़र आ रही हैं, इसी चीज़ से जो है ना मुझे, मैं डर रहा था। खैर अभी मैं पहली ट्राम से उतर गया हूँ, दूसरी ट्राम का वेट कर रहा हूँ, ट्राम चेंज करनी है इस वक्त। तकरीबन टोटल रास्ता एक साइड का 40 मिनट का, 40 मिनट जाने के 40 मिनट आने के। खैर अभी दूसरी काम का वेट कर रहा हूँ, यहाँ मैं छाँव में बैठ गया हूँ फिलहाल। तो अच्छी बात ये कि मुझे छाँव मिल गई है, लेकिन मेन बात ये है कि बारिश हल्की हल्की हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है। कैमरे में शायद नज़र भी नहीं आए, आ रही है हल्की हल्की, अगर आप ये देखें नोट करें। ट्राम में बैठ जाऊंगा, वो भी एक अलग 15 मिनट का तकरीबन रास्ता है, लेकिन उसके बाद है मेरी 10 मिनट की वॉक। उस 10 मिनट की वॉक के अंदर ये नहीं होना चाहिए। खैर छतरी मेरे पास है, लेकिन मसला ये है कि एक हाथ से मैं दोनों हाथों से माइक्रोवेव पकड़ूंगा तो छतरी जो है वो कैसे, मैं इतना बड़ा माइक्रोवेव है तो छतरी जो है मैं कैसे पकड़ूंगा, ये प्रॉब्लम होती है। खैर दुआ करते हैं अल्लाह करे ये रुक जाए। तो भाई ट्राम से मैं उतर चुका हूँ और इस वक्त लिटरली बहुत लाइट लाइट जो है वो स्नो फॉल हो रही है, बहुत बारीक, क्या कहते हैं, फ्लेक्स के साथ। मैं छतरी निकालता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं तीनों चीज़ें जो है वो कैसे पकड़ के लेके जाऊँगा। तीनों चीज़ें क्या, दो चीज़ें मेनली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह की फ्लेक्स पड़ रही हैं। इस तरह की फ्लेक्स आती हैं छोटी छोटी सी, वो फ़ौरन पानी बन जाती है। तो इस तरह की जो है इस वक्त बर्फबारी स्टार्ट हो गई, लिटरली यकीन करें अभी अभी स्टार्ट हुई है जब मैं यहाँ स्टॉप पे उतरा हूँ। तो खैर छतरी खोलते हैं, इसी तरीके से दोनों को पकड़ के लेके चलते हैं। तो भाई थोड़ा सा अभी जो है मैंने ब्रेक लिया है, ओह ये थोड़ा ओपन एरिया, थोड़ी यहाँ हवा भी चलना शुरू हो गई थी, हाथों में शदीद दर्द हो रहा है मेरे अब, और बिल्कुल हाथ जो है ना सुइयाँ चुभ रही हैं सर्दी की ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही है, ओपन एरिया है ये, थोड़ा सा हालत देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरीके से मैनेज कर कर आ रहा हूँ। इस तरीके से आया हूँ मैं, 10-15 मिनट इस तरीके से वॉक करी है मैंने। इस तरीके से आया हूँ मैं, आप लोगों ने देखा है अभी हालत खराब हो गई है। माइक्रोवेव लेके घर आ गया हूँ मैं, अब मिलता हूँ आप लोगों से किचन में। तो फाइनली एंटरिंग इन टू द किचन, साफ कर लेंगे भाई आगे पीछे से दार वार सब। फिलहाल इसलिए ऑन नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा मैं बारिश से आया हूँ तो उसको थोड़ा रेस्ट दे देंगे, मतलब थोड़ा सूख सुखा जाए अगर कुछ गया भी हो। वैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ जिस तरीके से मेरे घर आता है चार्जर बिल्कुल सही है। इस माइक्रोवेव की एक्चुअल प्राइस है आई थिंक 80 यूरो और वाइट कलर में है 70 यूरो गार्डन में, मैंने 2 वीक्स पहले देखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे किस कंडीशन में मिला आप लोग देख सकते हैं, और ये मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा, अच्छी कंडीशन में, बेहतरीन, साफ सुथरा, विद इन मतलब 20 यूरोज का मिला मुझे ये, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल गया, साफ सुथरा मिल गया। अब इसको टेस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, फिर आप लोगों को टेस्ट करके दिखाते हैं। चावल तो अब ट्राई करते हैं, माइक्रोवेव को फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, और चावल है इसको गर्म करके ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हाई पे है, इसको रख देते हैं 3 मिनट्स के लिए। हो रहा है गर्म, देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सही गर्म हुआ या नहीं हुआ और कामयाब हुआ या नहीं हुआ। अच्छा भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो गई है हमें, माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त चल रहा है, माइक्रोवेव ज़बरदस्त गर्म कर रहा है, चेक हो गया। अब मैं हम लोग खा अब हम लोग खाते हैं खाना, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर और भी अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।